दोस्तों इंग्लिश से जुड़े कुछ वर्ड जो इस प्रकार हैं, ही विल श्योरली कम। दोस्तों जिसका हिंदी मतलब होता है वो जरूर आएगा। दोस्तों जब आप किसी का इंतजार करते हैं तो दोस्तों वहाँ हम ही विल श्योरली कम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है द शॉप इज क्लोज टूडे। दोस्तों जब भी कोई दुकानदार का दुकान बंद रहता है तो दोस्तों वो गेट के सामने एक बोर्ड लगा देता है कि द शॉप इज क्लोज टूडे, तो दोस्तों दुकान आज बंद है। दोस्तों नेक्स्ट है डू नॉट टीज मी। दोस्तों डू नॉट टीज मी का हिंदी मतलब होता है मुझे तंग मत करो। दोस्तों बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो नटखट होते हैं, वो अपने पेरेंट्स को काफ़ी तंग करते हैं, तो दोस्तों वहाँ हम डू नॉट टीज मी का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आई वॉज थिंकिंग द सेम। दोस्तों जिसका हिंदी मतलब होता है मैं ऐसा ही सोच रहा था। दोस्तों जब दो व्यक्ति एक जैसा ही सोचता है तो दोस्तों वहाँ हम आई वॉज थिंकिंग द सेम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है लेट मी आउट। दोस्तों लेट मी आउट का हिंदी मतलब होता है मुझे बाहर निकालो। दोस्तों आप किसी कारणवश से कहीं फंस जाते हैं तो दोस्तों वहाँ हम लेट मी आउट का यूज करते हैं, जिससे कि वो कोई व्यक्ति आपको बाहर निकाल दें। नेक्स्ट है प्लीज़ गेट इन। दोस्तों प्लीज़ गेट इन का हिंदी मतलब होता है कृपया अंदर आए। दोस्तों जब आप कहीं बैठे रहते हैं तो दोस्तों जब आपको कोई बुलाता है ऑफिस से तो दोस्तों अब वो बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ गेट इन, यानी कि कृपया अंदर आए। तो दोस्तों आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। धन्यवाद।